इस कहानी की शुरुआत एक जेल को दिखाते हुए होती है जिसका चाल चलन काफी अलग होता है और इस जेल के लगभग 100 फ्लोर्स थे। यहाँ पर हमें जेल की किचन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर की कई सारे शेफ एक से एक बढ़िया खाना बना रहे होते हैं। अब खैर ये तो इस जेल की अच्छी बात थी, लेकिन ये कितनी अच्छी बात थी इस बात का आगे पता चलेगा। अब जेल के हर फ्लोर पर अपने क्राइम के हिसाब से कैदी रहा करते थे और उन सभी को खाना एक प्लेटफॉर्म पर रखकर सर्व किया जाता था। वो खाना सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर से शुरू होता और धीरे धीरे सबसे नीचे तक जाता। हर फ्लोर के कैदी के पास उसे खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते। तो चलो खैर अब बात करते हैं इस मूवी के 2 मेन कैरेक्टर्स की जो कि इस जेल के फ्लोर नंबर 48 पर रहते थे। उनका नाम ग्योरेंग और ट्रोमा गासी था। अब खाना अपने प्लेटफॉर्म पर लग चुका था और ऊपर से धीरे धीरे आते इनके फ्लोर तक पहुंच चुका था। ट्रेमोगासी गोरेंग से कहता है कि जितना खा सकते हो जल्दी से खा लो, लेकिन जब गोरेंग उस प्लेटफॉर्म टेबल को देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उस पर खाना बिखरा हुआ पड़ा था क्योंकि ऊपर वाले कैदियों ने इसे बुरी तरह से टूट टूट कर खाया जो था, और इसीलिए गोरेंग उनमें से सिर्फ एक सेब लेता है जबकि ट्रेमोगासी तो खाने पर टूट पड़ता है, वो बहुत खाता है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो उनकी सेल का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है। अब ट्रेमोगासी ने तो वहाँ पर खाना खाने के साथ साथ कुछ खाना उठाकर अपने पास भी रख लिया था जो कि उनके रूल के खिलाफ था, और इन्हें सजा देने के लिए ही इनके रूम का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था, और ये टेम्परेचर तब तक कम नहीं किया जाएगा जब तक कि ये खाना वापस नहीं कर देते या फिर यहीं पर मर न जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरेंग बाकी के कैदियों से एकदम अलग है क्योंकि असल में वो कोई क्रिमिनल है ही नहीं, वो एक अच्छा एजुकेटेड इंसान है और वो खुद ही इस जेल में आया था क्योंकि वो अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता था, और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी एक बुक भी लाया था जिसके बदले में उसे एक सर्टिफिकेट भी मिला था। अब अगले दिन फिर से वैसा ही होता है, प्लेटफॉर्म इनके सेल तक आता है और ट्रेमोगासी फिर से खाना दबाकर खाता है, लेकिन ग्योरेंग अपनी जगह से नहीं उठता क्योंकि उसे ये गंदा खाना खाने की आदत नहीं थी। जिस पर ट्रेमोगासी उससे कहता है कि भाई तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम्हें कभी नीचे वालों से भी पूछना चाहिए कि जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनका क्या हाल होता है, क्योंकि मैंने भी एक महीना ऐसे ही गुजारा है और उस महीने में मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। अब गोरेंग को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि ऊपर वाले नीचे वालों के लिए कुछ खाना ही नहीं छोड़ते, और इसलिए वो ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है कि भाई प्लीज कम कम खाया करो, थोड़ा नीचे वालों का भी ख्याल रखो, वो भूख से मर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले कैदी बहुत बड़े हरामी थे, वो इसकी कोई बात नहीं सुनते, और इसलिए जो बेचारे नीचे कैदी थे वो खाना ना मिलने की वजह से मारे जाते थे। और तभी उन्हें पता लगता है कि एक कैदी ने सुसाइड कर लिया है। ट्रेमोगासी गोरेंग को बताता है कि चिंता मत करो, ये होना यहाँ पर आम बात है। ट्रेमोगासी ये भी बताता है कि मेरे साथ जो सेल में आदमी रहा करता था वो भी मारा गया क्योंकि मुझे जब वहाँ पर खाना नहीं मिला तो मैंने उससे ही खा लिया था। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि खाने का टाइम हो जाता है और वो प्लेटफॉर्म नीचे आने लगता है, लेकिन आज तो उस पर एक लड़की भी बैठी हुई थी। गोरेंग उससे कहता है कि बताओ क्या परेशानी है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। ट्रेमोगासी उससे कहता है कि तुम इस पर ध्यान मत दो, इसका यही काम है, ये हर महीने ऐसा ही करती है क्योंकि इसका बच्चा मारा गया है और ये उसे ढूंढने के लिए ही हर फ्लोर में उसे देखती है, और ये अपने सेल में भी किसी को रहने नहीं देती है क्योंकि इसकी यही विश थी कि इसका बच्चा इसके पास होता। खैर अब इसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है और जब नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचता है तो उस फ्लोर के 2 लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर वो लड़की जिसका नाम निहारू है उन दोनों लोगों को ही मार देती है और वापस आकर फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। अब इसी तरह से दिन आगे बीतते जाते हैं और गोरेंग को इस जेल में आए हुए 1 महीना हो जाता है। अब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, यानी कि गोरेंग और ट्रेमोगासी में। अब एक दिन गोरेंग और ट्रेमोगासी सो रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बेहोश करने वाली दवाई पूरे फ्लोर में फैला दी गई है, और ऐसा तब होता है जब इनका फ्लोर का लेवल चेंज करना हो, यानी कि इनके सेल को बदलना हो। अब ये यहाँ पर प्रे करते हैं कि काश इनका मिड में आए, क्योंकि मिड वालों को फायदा होता था क्योंकि खाना ऊपर से आए या नीचे उन्हें मिल ही जाता था, लेकिन इसमें रिस्क कभी ऊपर वालों को होता तो कभी नीचे वालों को। अब यहाँ पर जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि लेवल 141 पर है और गोरेंग यहाँ पर खुद को बंधा हुआ पाता है। अब यहाँ पर इसके पास ट्रेमोगासी आता है और वो इससे कहता है कि आजकल वो दिन चल रहे हैं कि खाना नीचे से ऊपर आता है, और जैसा कि हम लोग 141 लेवल पर हैं तो हम तक खाना पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाएगा, और तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बांधा है, तो सुनो जब मुझे यहाँ पर कुछ दिन गुजर जाएंगे और जब मैं भूखा होऊंगा तब मैं तुम्हें ही खा लूंगा। ट्रेमोगासी उससे यहाँ पर काफी अजीब बातें करता है। अब यहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं और अब ट्रेमोगासी को काफी भूख लग रही होती है, और जाहिर सी बात है कि गोरेंग को भी अब काफी भूख लग रही थी, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक पेशेंस लेवल होता है, वो ये कि वो इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है और वो दिल का कितना अच्छा है। गोरेंग के दिल में ये बात कभी भी नहीं आई कि वो ट्रेमोगासी को काट कर उसे ही खा लेगा, लेकिन ट्रेमोगासी ने तो इस बारे में पहले से ही सोच रखा था, और अब उसे भूख लगने पर वो गोरेंग की बॉडी को काटने लगता है। अब इससे गोरेंग चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठी निहारू आ जाती है और वो गोरेंग की जान बचाती
जाती है। अब गोरेंग आजाद होकर ट्रिमागासी को मार डालता है। अब यहाँ पर निहारू आकर ट्रिमागासी का मांस खाने लगती है और साथ ही वो गोरेंग से भी खाने के लिए कहती है। अब अगले काफी दिनों तक ये लोग यही मीट खाते रहते हैं क्योंकि अभी ने किसी तरह से पूरा महीना भी तो गुजारना था ना। याद है कि अब ट्रिमागासी की बॉडी का काफी बुरा हाल हो चुका था। अब उसकी बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे लेकिन फिर भी गोरेंग जिंदा रहने के लिए उसका थोड़ा बहुत मीट खाने लगता है और आखिरकार ये महीना भी गुजर जाता है। अब गोरेंग की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि इस बार वो 33 फ्लोर पर है और इस बार उसके साथ एक लेडी भी होती है जिसके पास उसका डॉग होता है और ये लेडी भी इस जेल में खुद ही आई थी जैसे कि गोरेंग आया था ताकि वो यहाँ पर मिल बांटकर खाना खाना सीख सके और यहाँ के हालातों का भी सामना कर सके। और दरअसल ये लेडी वही होती है जिसने की गोरेंग का इंटरव्यू लिया था इस जेल में आने से पहले। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कि खाना आता है और गोरेंग अच्छे से खाना खाता है लेकिन वो लेडी थोड़ा सा खाना अपने डॉग को भी खिलाती है और वो खुद कुछ भी नहीं खाती ताकि नीचे के लोग अच्छे से खा सके। लेकिन जब वो खाना नीचे जाता है तो वहाँ के लोग काफी बुरे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं। अब वो औरत उन्हें मना करती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम नीचे वाले लोगों के लिए खाना क्यों नहीं छोड़ रहे। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानते और उससे कहते हैं तू अपना काम कर। और अब इसीलिए एक दिन गोरेंग उनसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये सारा खाना गंदा कर दूंगा और तुम्हारे खाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं बचने वाला। और अब इसीलिए नीचे वाले फ्लोर के लोग उनकी बात मान लेते हैं और अब इस तरह से खाना थोड़ा थोड़ा बचने लगता है जिसे कि खाकर नीचे वाले लोग भी अपना गुजारा करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि उसी प्लेटफॉर्म पर एक दिन फिर से वही लड़की निहारू आती है और यहाँ आकर वो उस लेडी के डॉग को मार देती है जिससे कि इन दोनों लेडी के बीच काफी लड़ाई होती है। अब जिस लेडी का डॉग मरा होता है वो गोरेंग से कहती है कि लड़की पागल है, इसका कोई भी बच्चा नहीं है इसलिए ये यहाँ आकर अपना मेंटल कंट्रोल खो चुकी है और तुम भी इससे दूर रहना, इसकी बातों में मत आना। अब गोरेंग अपनी सेलमेट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो बताती है कि मुझे कैंसर है जो कि ठीक नहीं हो सकता और मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। खैर अब इसी तरह से ये महीना भी गुजर जाता है और अब इनका फ्लोर नंबर चेंज होना था। दरअसल इस जेल में कोई 100 या 200 फ्लोर नहीं थे बल्कि हमें पता लगता है कि इसमें इतने फ्लोर हैं जिन्हें की गिना भी नहीं जा सकता क्योंकि अब इन लोगों का नंबर 202 फ्लोर पर आया था। गोरेंग देखता है कि उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर लिया है। अब यहाँ पर गोरेंग हेलुसिनेट करने लगता है। वो देखता है कि वो लड़की सपने में उसके पास आई हुई है। वो उससे कहती है कि मैंने अपनी जान इसलिए ली ताकि तुम मुझे खाकर जिंदा रह सको लेकिन गोरेंग उसे खाना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक नेक दिल औरत थी और साथ ही उसको कैंसर भी तो था। अब गोरेंग को काफी भूख लग रही होती है क्योंकि 202 फ्लोर पर कोई भी खाना नहीं आ रहा था इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने किताब के पेजेस खाने लगता है। लेकिन जब इससे उसकी भूख नहीं मिटती तब वो उसी लेडी की डेड बॉडी के पास जाता है और उससे खाने लगता है। और अब ये महीना भी गुजर जाता है और अब उसकी आंख खुलती है 6 फ्लोर पर। इस बार जो उसका सेलमेट होता है वो एक आदमी होता है, उसके पास एक रस्सी होती है। वो गोरेंग से कहता है कि मैं इस रस्सी के सहारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं करता बल्कि सारे उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन गोरेंग उसकी मदद करता है और उससे कहता है कि रुको अभी कुछ दिन के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पर साथ जाएंगे, लोगों को अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना देंगे ताकि खाना सभी के लिए बच सके। और अब इसीलिए वो ऐसा करने लगते हैं। और अब एक दिन जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग उस लड़की निहारू को मारने की कोशिश कर रहे हैं और अब इसीलिए गोरेंग फौरन से जाकर उन लोगों को मारता है और निहारू को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान गोरेंग भी काफी जख्मी हो जाता है जबकि निहारू तो बेचारी पहले से ही काफी जख्मी हो चुकी थी, उन लोगों की मार खा खा गए इसीलिए वो यहाँ पर अपना दम तोड़ देती है। खैर अब ये लोग जल्दी से दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म इनकी सोच से भी ऊपर जाता है यानी कि यूं समझ लें कि वो अपने आखिरी फ्लोर तक जाता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि एक बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई थी और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि निहारू की बेटी होती है। इनके पास अभी भी थोड़ा सा खाना बचा होता है जो कि गोरेंग के सेलमेट ने अपने लिए बचा कर रखा था। गोरेंग उस खाने को उस बच्ची को खिला देता है और फिर नीचे आ जाता है और नीचे अगर हम देखते हैं कि गोरेंग का वो सेलमेट मर गया है क्योंकि जब ये लोग निहारू को बचा रहे थे तब ये लोग खुद भी जख्मी हुए थे और उसके बाद उस आदमी का भी काफी खून बह गया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गोरेंग ने उस बच्ची को भी अपने साथ उस प्लेटफॉर्म पर बैठा लिया है और अब वो प्लेटफॉर्म मूव करते करते सबसे नीचे आ चुका था। लेकिन यहाँ पर आते ही गोरेंग को ट्रिमागासी देखता है जो कि गोरेंग से कहता है कि तुम अपने टेस्ट में पास हुए। दरअसल गोरेंग का ट्रिमागासी को देखना उसकी एक इमेजिनेशन ही थी। ट्रिमागासी कहता है कि बस ये प्लेटफॉर्म अब वापस ऊपर चला जाएगा और ये बच्ची यहीं पर रहेगी। ज्यादातर लोग तो अपनी हिम्मत हार जाते हैं लेकिन इस बच्ची को देखो ये कितनी प्यारी है, इसने हिम्मत नहीं हारी और तुम इसी बच्ची की वजह से नीचे आए हो। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस बेसमेंट में गोरेंग की जान बचती है या नहीं क्योंकि इस बिल्डिंग में चीजें काफी उलझी हुई थी और बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था। इस मूवी का एंड हमें नहीं दिखाया जाता, बस इतना बताया जाता है
है कि वो बच्ची फिर से ऊपर चली जाती है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने का मतलब ये होगा कि नीचे जो लोग रहते हैं उन्होंने जीना सीख लिया है, उनमें एकता आ गई है, बल्कि अपने 6 महीने पूरे कर लेने के बाद वो यहाँ से वापस बाहर निकलेंगे। जिस तरह से लोगों को एक से दूसरे लेवल पर भेजा जाता है, इससे हमें ये भी समझ आता है कि शायद यहाँ से कोई बाहर ही ना निकला हो। लेकिन उस बच्ची के बाहर निकलने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर लोगों ने एकता सीख ली है, क्योंकि जब गोरेंग अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ नीचे आ रहा था तो वो उन्हें ये भी मैसेज दे रहा होता है कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। दरअसल ये फिल्म की पूरी कहानी हमारी सोसाइटी को दिखाती है, जहाँ पर कि जो लोग पावरफुल होते हैं, ऊपर रहते हैं, वो कभी भी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते, वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं भले ही नीचे वाले मर क्यों ना जाएं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे कि गोरेंग होता है। हालांकि गोरेंग ने भी अपनी मजबूरी में कुछ गलत काम किए, लेकिन ये शायद उसकी मजबूरी थी। और अगर हमें भी अपनी सोसाइटी को, अपनी दुनिया को अच्छा बनाना है तो हमें अपने से नीचे वाले के बारे में भी सोचना होगा, ताकि ये पूरी की पूरी दुनिया बराबरी के साथ चल सके। तो दोस्तों, ये थी द प्लेटफॉर्म की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।